लालची तंदूरी चिकन वाला। उधमपुर नाम के एक गांव में बिट्टू कहकर एक व्यक्ति रहता था। बिट्टू अपने बेटे चिंटू के साथ रहता था। वो एक ढाबे को चलाता था। उसके ढाबे का नाम था बिट्टू तंदूरी चिकन वाला। उसके ढाबे की खास बात ये थी, वो तंदूरी चिकन बहुत ही स्वादिष्ट बनाता था। वो ढाबा बिट्टू के दादा परदादे के ज़माने से चले आ रहा था। इसी वजह से गांव के सभी लोग वहां पे खाने के लिए जाया करते थे और उस चिकन को बहुत पसंद करते थे। परमाई होती थी, बिट्टू राम उससे खुश नहीं होता था। उसके मन में लालच आ गया था कि कम खर्चा करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाए। मन ही मन यही सोचता रहता था। कुछ दिनों बाद तंदूरी चिकन का दाम भी बढ़ाया, पर लोगों का आना फिर भी कम नहीं हुआ। लोग उस चिकन को बहुत पसंद करते थे, जिस वजह से वो लोग उसके पास हमेशा खाने के लिए आते रहते थे। पर आस्ता आस्ता कुछ समय बीतने के बाद बिट्टू राम ने पुराना बचा हुआ चिकन को भी बनाने लगा, और साथ ही साथ जब उसे भी मन नहीं भरा तो वो बीमार मरी हुई मुर्गियां लाता और उन्हें बनाकर बेचता था, जिससे उसे बहुत सा मुनाफा हुआ और अब वो खुशी खुशी रहने लगा। पर इसका सीधा असर गांव के लोगों के ऊपर पड़ने लगा। सभी लोग बीमार होने लगे, पर किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब हो कैसे रहा है। एक बार जब बिट्टू राम होटल से घर की तरफ आया तो घर आके उसका बेटा चिंटू उससे कहता है, सुनो पिताजी, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। गांव के सभी लोग आपके पास चिकन खाने के लिए आते हैं, जिस वजह से वो सब बीमार पड़ रहे हैं। आपको उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। चुप हो जा रहे नालायक, मुझसे जीवन लड़ा रहा है। ये धंधा है, तुम्हें क्या पता ये धंधा कैसे चलता है, और मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। चिंटू को क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके मन में एक उपाय आता है। कल से मैं भी पिताजी को तंदूरी चिकन का धंधा करके दिखाऊंगा। ईमानदारी से धंधा करके खूब सारा नाम और पैसा कमाऊंगा। अगले ही दिन से चिंटू ने भी अपने पिताजी के ढाबे के सामने ही एक रेड़ी लगा के तंदूरी चिकन बेचने लगता है। अच्छा बच्चू, तो मेरे साथ कंपटीशन। शाम तक अकल ठिकाने आ जाएगी, तब पता लगेगा धंधा कैसे किया जाता है। शुरू शुरू में चिंटू के रेड़ी के पास बहुत कम लोग आते थे, पर धीरे धीरे सभी लोग चिंटू की रेड़ी के पास तंदूरी चिकन खाने के लिए आते थे और बहुत तारीफ करते थे। वे सभी चिंटू को एक्स्ट्रा टिप भी दे जाते थे, जिससे वह बहुत अच्छा मुनाफा भी कमाया। पर इधर बिट्टू राम के ढाबे के पास कोई नहीं जाने लगा, जिससे वो बहुत दुखी हुआ और वो सारी बात समझ गया था। फिर बिट्टू राम चिंटू के पास आता है। अरे बेटा चिंटू, तुम ठीक कह रहे थे, मैंने ज्यादा पैसे कमाने की लालच में आकर लोगों के साथ धोखा किया। अब मैं समझ गया हूँ, मुझे माफ कर दो चिंटू। तुम छोटे हो, पर तुमने कर दिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से धंधा कैसे किया जाता है और खूब पैसा कैसे कमाया जाता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे पिताजी, कस्टमर की सेहत और स्वाद दोनों का हमें ख्याल रखना चाहिए। अरे मेरे बाप, जैसे तुम कहो। चलो अब मुझे भी अपने साथ काम पे रख लो। ठीक है पिताजी। उस दिन से वे दोनों मिलकर उस ढाबे को चलाते हैं। चिंटू ढाबे पर
तंदूरी चिकन बनाता है और बिट्टू राम लोगों में लेके उन्हें सर्व करता है। दोनों खुशी खुशी ईमानदारी से काम करके खूब सारा पैसा कमाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।